खरगोन जिले सहित समूचे अंचल में गुरुवार को ईद उल अजहा बकरा ईद का त्यौहार पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सुबह ईदगाह सहित अन्य मस्जिदों में विशेष नमाज अदा की गई। नमाज के बाद त्याग और समर्पण के प्रतीक स्वरूप कुर्बानियां दी गई। ईदगाह पर मुफ्ती तारिक ने नमाज अदा कराने के बाद बकरी ईद का महत्व बताया। उन्होंने कहा, ईद उल अजहा कुर्बानी का दिन है। इस्लामी कैलेंडर के अंतिम माह जिल हिज्जा की 10वीं तारीख को यह पर्व मनाया जाता है। ईद उल अजहा एकता का संदेश देता है। एकता से बड़ी कोई दौलत नहीं है। बकरी ईद के नमाज पढ़कर समुदाय के लोगों ने अमन शांति एवं खुशहाली के साथ ही भाईचारे की दुआएं मांगी, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी। पर्व को लेकर सुबह से ही लोगों में उत्साह देखा गया। समाज सदर अल्ताफ आजाद ने कहा कि ईद का पर्व अल्लाह की इबादत में सब कुछ कुर्बान करने की सीख देता है। इस पर्व पर विशेष नमाज में सभी की खुशहाली और देश में खुशहाली अमनो अमान बना रहे ऐसी दुआ की गई। नमाज के बाद दिन भर दावतों का दौर चला, जिससे मुस्लिम बस्तियों में खासी चहल पहल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। ईद उल अजहा की पूरे देश वासियों को, शहर वासियों को दिली मुबारकबाद पेश करती है जमात इस्लाहुल मुस्लिमीन खरगोन। एवं आज ईद उल अजहा की नमाज में के बाद मुफ्ती साहब द्वारा देश के अमन चैन खुशहाली के लिए दुआ की गई एवं शहर को अमन का टापू बने मेरा शहर, इसके लिए खास दुआ की गई एवं शहर वासियों को ईद की बकरीद की दिली मुबारकबाद पेश की गई। अजहा प्यार और मोहब्बत का पैगाम देता है, भाईचारगी उसवतों और इसी तरीके से शहर के अंदर अमन अमान की फिजा को बरकरार रखने का पैगाम देता है, एक दूसरे को प्यार और मोहब्बत उल्फत के साथ रहने का पैगाम देता है। क्या इसके पीछे क्या है? ये हमारे पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद और उनकी कुर्बानियों की वजह से ये ईद मनाई जाती है। और ईद कुर्बानी ये हर कौम और हर धर्म और हर मज़हब के अंदर रही है। किसी न किसी तरीके से कुर्बानियाँ पेश की जाती हैं हर धर्म के अंदर। मज़हब इस्लाम के अंदर भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद में इस दिन को मनाया जाता है और उनके लख्त जिगर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की याद में ये दिन मनाया जाता है। बस यही संदेश दिया जाता है कि प्यार और मोहब्बत उल्फत के साथ एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत के साथ रहा जाए, यही पैगाम हम शहर वालों को और शहर वासियों को हम देना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।